एक बार फिर से दीप नारायण सिंह यादव और सज्जन यादव के खिलाफ नए मुकदमे को लेकर राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कल यह खबर हमारे द्वारा प्रसारित की गई थी, जिसमें बताया गया था कि जवाहर राजपूत यानी कि गरौठा विधायक द्वारा एक शिकायती पत्र दिया गया है, जिसमें पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव पर सीधा उनकी हत्या के षड्यंत्र का आरोप लगाया है। और आरोप जिस वजह से लगा है वह और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। जवाहर ने अपने शिकायती पत्र में उल्लेख किया है कि उन्हें किसी शुभ चिंतक ने एक पत्र भेजा था, जिसमें उनके खिलाफ षड्यंत्र की बात कही गई थी। आज जब वह एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां पत्रकार पहले से मौजूद थे, लेकिन वह पत्रकारों से बचते नजर आए। लेकिन जब पत्रकारों से घिर गए तो उन्होंने अपना वही बयान दिया है, जिसमें उन्होंने एक बात और कही, इस पूरे मामले में प्रशासन जाँच करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें और उनके पुत्र को खतरा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार में माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है और सरकार में सभी सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा वह एक प्रश्न पर नाराज होते भी दिखे और उन्होंने फिर से सीधा प्रहार दीप नारायण सिंह यादव पर किया है। हालांकि यह बात सभी को पता है कि दीप नारायण सिंह यादव जेल में है और तकरीबन 15 दिन बाद जवाहर के द्वारा शिकायती पत्र देने से राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं भी हैं। एक आपने शिकायत दर्ज कराई है प्रेमनगर थाने में धमकी देने की, क्या है मसला? उत्तर प्रदेश में योगी जी सरकार द्वारा लगातार माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में कार्रवाई की जा रही है और हमें लगता उसी के तहत जनपद झांसी में भी, बुंदेलखंड में भी कार्रवाई हो रही है। बाकी हम कह सकते हैं कि हमें एक पत्र मिला है लिफाफे में बंद रजिस्टर्ड, उसको अपन ने DIG और SSP को दिया है। वो पुलिस प्रशासन का काम है, शासन का काम है। कौन इसके पीछे किसका षड्यंत्र है, कौन से लोग हैं, हमें नहीं पता। ये प्रशासन का और शासन का काम है, वो जांच करेगी। पत्र में क्या हवाला दिया गया, हवाला क्या दिया गया? उसमें सीधा सीधा जो पेपर के माध्यम से भी आपने पढ़ा होगा, उसमें सीधा अपने को और अपने लड़के को धमकी दी गई है कि बाहर से आपके लिए शूटर मंगाए गए हैं। अब वो पुलिस का जाँच का विषय है, किसने पत्र लिखा, क्यों लिखा, किसके वजह से लिखा, ये पुलिस जांच कर रही है। आपको धमकी देने का कारण क्या है? वो भी पूर्व में विधायक रहे हैं, आपको धमकी पत्र मिलना, उनके द्वारा उनका नाम आना, क्या कारण है इसके पीछे? हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि ये प्रदेश सरकार लगातार बालू खनन माफियाओं के खिलाफ, बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ, और आज हम कह सकते हैं कि योगी सरकार में आज बिल्कुल पूरी तरह से आज भयमुक्त समाज हो गया है। और वो उसके पीछे कारण केवल एक ही है कि माफिया जेल के अंदर है या उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है और उसी के तहत झांसी जनपद में भी कार्रवाई की जा रही है। जी खनन तो आपकी विधानसभा क्षेत्र में भी हो रहा है? बिल्कुल कहीं नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ऐसा कोई आप अगर उदाहरण बताएंगे तो निश्चित रूप उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अन्यथा तो आपने देखा है कि पिछली सपा की सरकारों में किन लोगों ने अवैध खनन करके कितनी मंजिलें बना ली हैं, चाहे वो मून सिटी का मामला हो या हजारों करोड़ रुपए जिन्होंने कमाया है, आपकी जानकारी में होगा। आज हमें लगता चाहे विजिलेंस के माध्यम से या और भी जांच एजेंसियों के माध्यम से जांच चल रही है। झांसी से मोहम्मद साहब के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।